हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी बन जाने वाली, झटपट बन जाने वाली अचार की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी लगती है और आई होप आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है हरी मिर्च, ये 500 ग्राम ली है यानी कि आधा किलो। और नींबू ले रही हूँ मैं, नींबू 750 ग्राम ली हूँ मैं, क्योंकि जो बाहर के नींबू, अगर आपके अपने पेड़ की नींबू है तब तो उसमें बहुत ज़्यादा जूस होती है, लेकिन अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, बाहर से खरीद कर लाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें जूस नहीं होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी रखी है। तो सबसे पहले मिर्ची को धोकर मैं अच्छी तरीके से सुखा ली थी, क्योंकि बरसात का मौसम है और पानी अगर थोड़ी भी रहेगी किसी भी चीज़ में तो ये हमारी अचार को ख़राब कर देगी। तो मिर्ची को धोकर सुखा ली थी और सूखने के बाद मैंने उसके डंठल को तोड़कर निकाल ली। अब नींबू को भी मैं ऐसे ही पहले ही धो ली थी और धोकर सुखा ली हूँ नींबू को अच्छे से। 4-5 घंटे के लिए मैंने धूप में रख दी थी ताकि मॉइस्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाए। और हाँ, एक बात का और भी ध्यान रखना है जो कि अचार के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी बर्तन को यूज़ कर रहे हैं अचार बनाने के लिए, वो पूरी तरीके से सूखी हुई हो। जैसे कि मैंने ये बर्तन यूज़ की है, या नाइफ है, या प्लेट है, जो भी है, ये अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी अगर का एक बूंद भी रहेगा तो हमारी अचार खराब हो जाएगी। तो नींबू का सारा जूस मैंने निकाल ली है और ये छिलके भी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसकी जो रेसिपी है वो बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले नींबू का जूस निकाल ली हूँ मैं और इसे एक छन्नी से छान कर रख लूंगी। अब मैं ले रही हूँ अदरक, अदरक भी 500 ग्राम है यानी कि आधा किलो। और इसको अच्छी तरीके से, इसके जो छिलके हैं उसे हमें निकालनी है। और सबसे पहले मैंने क्या की है, अदरक को अच्छी तरीके से धोकर धूप में सुखा ली हूँ और सूखने के बाद मैं इसके छिलके उतार रही हूँ। तो अब छिलके उतार ली हूँ मैं और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने इसके जो छिलके हैं उसे रिमूव कर ली है। अब एक ट्रे ले रही हूँ या कोई और बर्तन लीजिए जो सूखी हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, और इस तरह की एक ग्रेटर ले रही हूँ, इससे हमें अदरक को ग्रेट करना है। आप चाहें तो इस तरह की मोटी ग्रेटर भी यूज कर सकते हैं या बारीक वाली भी यूज कर सकते हैं। उस मोटी वाली में थोड़ा सा मोटा दाना रहेगा अदरक का, और इसमें थोड़ा पतला रहेगा, बस यही अंतर है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिससे भी चाहें उससे ग्रेट कर सकते हैं। तो जिंजर को अच्छी तरीके से मैं ग्रेट कर लूंगी, घिस लूंगी। ये देखिए इस तरीके से आएगी, इसके लच्छे इस तरीके से निकल के आएंगे। और मोटी वाली से भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये थोड़ी सी मोटी होगी। वैसे अचार बनने के बाद जब अचार अच्छी तरीके से बन जाती है तो इसकी पता नहीं चलती है मोटी है या पतली है, लेकिन आप मोटी वाली है तो उसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत बारीक होनी चाहिए। देखिए इस तरीके की थोड़ी मोटी मोटी आएगी। तो ऐसे ही मैं सारा अदरक ग्रेट कर ली हूँ, और ये देखिए सारा अदरक ग्रेट करके मैं अलग रख रही हूँ, लेकिन अदरक को ऐसे ही नहीं रखना है, नहीं तो ये काली हो जाएगी और इससे अचार का कलर खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक बाउल ले रही हूँ। और अचार जब भी आप बनाते हैं तो या तो आप शीशे की बर्तन यूज़ कीजिए, ग्लास का, जो भी बाउल है या फिर जार है वो ग्लास का यूज़ कीजिए, या फिर स्टील का यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें एल्युमिनियम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट करती है और अचार को बहुत काला कर देती है। उसके देखिएगा आप, साइड्स पूरी गंदी हो जाती है, काली बिल्कुल लगने लगती है। या फिर आप मिट्टी के बर्तन को यूज कीजिए, सबसे बेटर है। तो अदरक को डाल ली हूँ मैं, और अब एक छलनी में नींबू का जूस जो हमने निकाली थी वो छानकर इसके चारों तरफ अच्छी तरीके से फैलाकर डाल दूंगी। इससे ये होगा कि हमारी जो अदरक है वो काली नहीं पड़ेगी, नींबू उसको काला नहीं होने देगी। तो इसलिए मैं पहले ही उसके ऊपर नींबू डाल दी हूँ और इसको एक बार मिक्स कर लूंगी, तो अच्छी तरीके से, जिससे उसके ऊपर नींबू हर तरफ से लग जाए और ये काला ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब इसे मैंने मिक्स कर ली है और इसे ढक कर रख दूंगी। मिर्ची को अब हमें दरदरा पीसना है, तो इसको एक मिक्सी जार में छोटी छोटी बैच लेंगे, क्योंकि बड़ी बैच लेंगे तो इसमें मिर्ची साबुत रह जाती है, तो मैं छोटी छोटी बैच ले रही हूँ। 2-3 बार में डिवाइड कर दीजिए मिर्ची को और बारी बारी से इसको दरदरा पीस लूंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ जिमीकंद। इसको जिमीकंद, ओल या सूरन या फिर इंग्लिश में से याम कहते हैं, तो आपके यहाँ इसे जो भी कहते हों आप उस हिसाब से समझ जाइए कि ये क्या है। ये ओ, हमारे यहाँ इसे ओल कहते हैं या हिंदी में इसे जिमीकंद कहते हैं, तो उसे भी मैं ग्रेट करके रख लूँगी। इधर मैंने मिर्ची को दरदरा पीस ली है, तो चलिए अब बाउल को फिर से ले रही हूँ और इसमें डाल दूंगी जो हमने मिर्ची को ग्रेट की है या फिर दरदरा पीस ली है, तो इस मिर्ची को भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी इन्ग्रीडियंट्स हम ले रहे हैं वो सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि हमने अदरक ली है, मिर्ची ली है और जिमीकंद ली है, ये सारी चीज़ें हाफ हाफ केजी है, आधा आधा किलो है, 500-500 ग्राम है। और हमने इसमें नींबू जो यूज की है वो थोड़ी एक्स्ट्रा यूज की है, क्योंकि नींबू जो बाहर की नींबू होती है, मार्केट की नींबू, इसमें इतनी जैसा ज़्यादा जूस नहीं होती है, तो ये हमारी अचार के लिए कम पड़ती, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नींबू यूज की है। अब जिमीकंद के साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये काली हो जाएगी। तो सबसे पहले इसे मुझे मिक्स करनी है, तो बार बार उसे उलट पलट दीजिए ताकि नींबू का जो जूस है जिमीकंद के ऊपर भी लग जाए और इसे काले होने से ये बचा सके हैं। अब मैंने 500 ml मस्टर्ड ऑयल ली है, जिसको मैं गर्म करके ठंडा कर चुकी हूँ। पहले उसको गर्म कर दी थी, हल्का, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जलाना नहीं है, इसको गर्म करना है, नॉर्मल जैसे गर्म होती है ऑयल उतना ही गर्म करना है। और उसे ठंडा करने के बाद मैं इसे इसमें डाल दी हूँ। ये कटोरी से 3 कटोरी है, वैसे मैंने इसे 500 ml सरसों का तेल इसमें यूज़ की है, यानी कि जो भी चीज़ें मैंने ली है वो सेम क्वांटिटी की ली है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नींबू ज़्यादा ली है, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी जूस कम है, इसलिए मैंने नींबू ज़्यादा ली है। अब ऑयल मैं इसीलिए अभी डाल दी हूँ ताकि जो भी चीज़ें हमने मिक्स करके डाली है वो बिल्कुल भी काली ना हो, ऑयल उसे काली होने से बचाएगा, नींबू और ऑयल। अब इसे मिक्स करके रख देते हैं और इधर ले लेते हैं इसके लिए मसाले, जिसमें है नमक और मिर्च पाउडर। मैं इसमें ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसमें मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसमें मिर्च पाउडर नहीं डालता है। इसमें हरी मिर्च बहुत सारी मात्रा में है, तो आप नहीं भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड और 5 फोड़न। तो 5 फोड़न में 5 तरह की स्पाइस होती है, जिसे मैंने रोस्ट कर ली और रोस्ट करने के बाद दरदरा पीस ली है। और उसी तरीके से मैं हल्का सा गर्म कर ली हूँ मस्टर्ड को, ब्लैक मस्टर्ड को और जो काले सरसों के दाने हैं, और उसे भी मैंने दरदरा पीस ली है। और जो भी मसाले अब मैंने ली थी, नमक, हल्दी, 5 फोड़न, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मस्टर्ड, जो ब्लैक मस्टर्ड पाउडर है वो, तो इन सबको अब इसके ऊपर डालकर हमें अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। और मिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि एक बार जब जार में डाल देते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से इसे उलट पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ना तो लिक्विड है ना ही टुकड़ों में कटा हुआ है, तो ये एक तरह से ग्रेट की हुई जो चीज़ें हैं वो उसको बोतल में डालने के बाद, यानी कि जो हम बर्नी में डालते हैं उसके बाद मिक्स करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम इसे पहले ही मिक्स कर लेंगे। तो इसको जितनी अच्छी तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से कीजिए। और मसाले की जो भी क्वांटिटी है आपके स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही थी, आप उसे भी रिमाइंड करके देख सकते हैं। ज़्यादातर इंडियन फैमिली में यही होती है कि हम मसाले जो भी हैं, क्योंकि हमारे घर में हमेशा वेट करने वाली चीज़ें नहीं होती है, हम खाना भी बनाते हैं तो हर चीज़ अंदाजे से डालते हैं कि इसमें इतनी सब्जी है तो हमें इतना नमक डालना है। इसी तरीके से आप, अगर आपको अंदाज़ा है तो उस तरीके से आप इसमें मसाले यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने क्वांटिटी लिखी है तो उससे, उस तरीके से भी आप इसमें डाल सकती हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो अचार है वो मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं एक ले रही हूँ बर्नी, ये शीशे का बॉटल है जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर सुखा ली है,
जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अचार को जब भी आप मिक्स करते हैं तो लकड़ी के चम्मच से मिक्स कीजिए, स्टील का चम्मच यूज़ नहीं कीजिए। बस इसे रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। इसमें स्टील की कोई भी चीज़ें रख कर छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो रिएक्ट करती है तो अच्छा नहीं लगता है और काले हो जाते हैं। या एल्युमिनियम भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए या तो प्लास्टिक की कोई स्पून है या फिर लकड़ी का कोई स्पून है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अचार की जो बर्नी है उसे हमें भर लेना है। बहुत ही अच्छे से सुखा कर मैंने इसे रखी थी, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी एक बूंद भी ना हो। अगर इस पे पानी नहीं पड़ती है या किसी भी तरह की कोई इधर मतलब बिल्कुल भी पानी का कोई नामो निशान नहीं रहता है तो इस अचार को आप 3 साल 4 साल जितने साल रखिए ख़राब नहीं होती है। वैसे ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि ये 1 साल में ही आप ख़त्म कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा दिन भी रखना पड़ रहा है तो भी ये आराम से रह सकती है, ये ख़राब नहीं होगी। तो अब मैं इसे बर्नी में भर दी हूँ, इसके ऊपर रख दूंगी एक टिशू और ऊपर से ढक्कन को बंद कर दूंगी और इसे धूप में रखने के लिए छोड़ दूंगी। मैं 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि इसका ढक्कन खोलना नहीं है, बरसात का मौसम है तो मॉइस्चर आ जाएगी इसलिए नहीं खोलना है, और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो टिशू पेपर अब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए मैं इसे देखिए इसका लुक देखिए कितना सुंदर आ रहा है, देखने में ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आगे भी इस तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक ईजिली पहुँच सकें। पराठे के साथ ये अचार बहुत टेस्टी लगती है, तो जब कभी पराठे बना रही हैं और आपको लगे कि जल्दी जल्दी में मैं चटनी नहीं बना पा रही हूँ, दही नहीं है, तो ये अचार सबसे अच्छी लगती है पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। वैसे आप इसे पराठे के साथ जितनी मर्जी खाइए आपका मन नहीं भरेगा, बहुत टेस्टी होती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी इंस्टेंट रेसिपी भी मेरे चैनल पर है जो क्विक एंड ईजी है और एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाती है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।